हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू प्रोजेक्ट टॉपिक। इस प्रोजेक्ट टॉपिक को आप अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए सबमिट कर सकते हो। आज के वीडियो में आप देखेंगे सोलर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग रोबोट। सो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि 2 DC मोटर्स, पंप मोटर, 12 DC बैटरी, सोलर पैनल एंड स्प्रेयर। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, टीम लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे इनके माध्यम से आपके लिए लेके आओ एक नया सा प्रोजेक्ट टॉपिक, जिसका नाम है सोलर ऑपरेटेड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग रोबो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मैकेनिकल के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए या डिप्लोमेट्स जो भी है आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप एग्रीकल्चरल लैंड को पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए यूज में भी ले सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली ये जो सारा जो इसका कंसेप्ट है, जो भी फार्मर होते हैं फ्रेंड्स, फार्मर को खेत में जाके पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है। जब वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उनके एक्चुअली वो पेस्टिसाइड्स के जो भी हानिकारक उसमें से जो केमिकल्स होते हैं वो उनके नाक में, कान में, आँखों में जाके वो दिमाग भी गिरा सकते हो फार्मर को। सो दैट्स वाई हमने उसके लिए एक अच्छा खासा रोबोट ही बना दिया है। तो सोलर ऑपरेटेड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग रोबो कार ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो इस प्रोजेक्ट को आपको क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे वो पहले मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का एक रोबोटिक्स कार बना लेना है। तो ये फ्रेम्स लगेगा आपको इसके लिए 12x18 का, 12x18 इंच का एक फ्रेम्स बना के उसके ऊपर आप इस प्रकार के चक्के क्लैंप्स के माध्यम से आपको लगा लेने हैं। और साथ में इसको यहाँ पे लगाने हैं आपको क्लैंप्स के साथ में मोटर्स, DC मोटर जो कि 12V DC के है। तो यहाँ पे हमने इसमें 12V DC के नियर अबाउट 2 मोटर्स लगा दिए हैं। ओके, 2 या 4 मोटर्स आप इसमें लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे डमी व्हील्स डाले हुए हैं, ये व्हील्स जो 70 mm के व्हील्स इसमें लगे हुए हैं। बाद में ये प्रोजेक्ट मॉड्यूल माउंट करने के लिए मैंने प्लाई का इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी 12x18 का प्लाई हमने यहाँ पे लिया हुआ है। साथ में यहाँ पे आपको लगेगा एक जो भी पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए जो पंप्स का मोटर होता है, वो पंप्स का मोटर भी हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है, जो कि 12V पे ऑपरेट होने वाला मोटर से 12V DC के ऊपर ऑपरेट होता है। साथ में आपको इस प्रकार का एक 12V DC का बैटरी लगेगा और लगेगा सोलर पैनल जो कि 12V प्रोवाइड करने वाला है और 1 W का है। और एक एल्युमिनियम का स्ट्रिप जिसके ऊपर आप ये सोलर पैनल थोड़े ऊपर माउंट कर सकते हो। और साथ में लगेगी इस प्रकार के ये पंप्स मैकेनिज्म वाले स्प्रेयर। एक्चुअली ये सोलर स्प्रेयर से, इस सोलर स्प्रेयर के माध्यम से आप इसको स्प्रे कर सकते हो। ये जो स्प्रेइंग मैकेनिज्म के जो नोजल है फ्रेंड्स, ये आपको स्टील ई में या MS में और साथ में आपको ये मिल जाएंगे आपके ब्रास में। तो हमने यहाँ पे ब्रास वाले नोजल अंदर डाले हुए हैं, बाहर से उसको प्लास्टिक का आवरण लगा दिया हुआ है। तो अभी ये इस प्रकार के अगर आप कंपोनेंट लेते हो तो आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। अभी थोड़ा समझ लेते हैं इसके वाला इन डिटेल से, टेक्निकल डिटेल्स। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो सोलर पैनल्स वगैरह ये कंपोनेंट्स आप जैसा परचेस करोगे तो इसको माउंट कर लेने हैं इस प्रकार के एक प्लाई के ऊपर। सोलर पैनल से जनरेट होने वाला जो एनर्जी वो बैटरी में स्टोर करने के लिए आपको एक यूनिवर्सल डायरेक्शन से यहाँ पे डालना होगा डायोड। डायोड के माध्यम से बैटरी में यहाँ पे एनर्जी स्टोर होते रहेगा, यानी सोलर पैनल से कंटिन्यूसली आपका वाला बैटरी चार्ज होते रहेगा। 12V 2.5 का बैटरी हमने यहाँ पे इस्तेमाल में लिया हुआ है। जैसे हम की प्रेस कर देंगे तो की प्रेस करते समय ऑटोमेटिकली चक्कों को और इस पंप को भी सप्लाई मिल जाएगा और ये रोबो आगे जाते समय आगे जाएगा और साथ में ही वो पेस्टिसाइड भी स्प्रे करते रहेगा। तो इस प्रकार का ये रोबोट्स का पूरा वर्किंग है। तो इसमें मैंने आपको सारा वर्किंग भी बता दिया है, आशा करता हूँ कि आपको सारा समझ रहा होगा। इस प्रकार के प्रोजेक्ट मॉडल अगर आपको परचेस करने हैं तो दिए हुए नंबर के ऊपर आप संपर्क करके परचेस के लिए ऑर्डर भी डाल सकते हो। आपके एड्रेस के ऊपर इस प्रकार के हम रोबोट्स मॉडल भी भेज देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, अभी इसे ऑपरेट्स करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ से सप्लाई देना है तो ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट्स हो जाएगा। मैं इसलिए करता हूँ ऑपरेट्स ताकि आपको समझ सके कि किस प्रकार से वर्क करता है। ऑपरेटिंग के लिए सिर्फ हमें स्विच ऑपरेट करना होगा। इसे भी ऑपरेट करूँगा तो अभी हमारा रोबोट शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। इसे ऑफ करना चाहोगे तो ऑफ भी हो सकता है। फिर से मैं आपको इसे दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो ये जो रोबोट है थोड़ा हेवी है फ्रेंड्स। मैं इसे फिर से ड्राइव करता हूँ, अभी आपको ये नजर आएगा ड्राइव करते समय। सो ये पेस्टिसाइड स्प्रे करते हुए जा रहा है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।